छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है और इस परिषद में सरगुजा से साहित्यकार विजय गुप्त सदस्य बनाए गए हैं। इस परिषद का उद्देश्य क्या होगा, क्या काम करेगी और साहित्यकारों को इससे किस तरह के लाभ मिलेंगे? विजय गुप्त जी हमारे साथ हैं, इनके जीवन के सफर के साथ ही साहित्य परिषद की भी बातों को जानेंगे। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। पहले तो ये बताइए कि ये जो परिषद बनाई गई है इसका उद्देश्य क्या है और आप लोग का की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? दरअसल देखिए, ये इस परिषद का जो निर्माण हुआ है उसका एक उद्देश्य है कि सरगुजा को लेकर और पूरे छत्तीसगढ़ में साहित्यिक सांस्कृतिक जागरूकता लाई जाए और सांस्कृतिक समझ को, साहित्यिक समझ को बढ़ाया जाए। और देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ बहुत इस मामले में धनी है कि यहाँ पर पुरातत्व की भी चीज़ें हैं और यहाँ पर साहित्यिक प्रतिभाएं भी हैं, बहुत अच्छी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। अब तो लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, फिल्म मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जर्नलिज्म का भी है। तो एक प्रकार से साहित्य और संस्कृति का एक विराट संसार जो होता है वो छत्तीसगढ़ में मौजूद है, लेकिन वो बिखरा हुआ है। जैसे अभी भी कई जगह पर साहित्यकारों के बैठने के लिए जगह नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है। बावजूद उसके इस परिषद को बनाने का उद्देश्य है कि विभिन्न क्षेत्रों के छत्तीसगढ़ के विद्वान लोग आएँ और संस्कृति से संबंधित लोग, गायक, नर्तक, लेखक, ये सारे जुड़ें और एक बड़े परिवेश में जो छत्तीसगढ़ का कल्चर है उसको और आगे ले जाएं और उसको पूरे देश में उसको प्रकट किया जाए। तो ये मुझे एक दृष्टि से अच्छा लगता है कि एक ऐसा प्रयास हो रहा है कि एक व्यापक परिवेश में छत्तीसगढ़ का साहित्य और छत्तीसगढ़ की संस्कृति पूरे भारतवर्ष में पहुँचे। तो मैं तो अभी आशान्वित हूँ कि ये परिषद जो बनी है वो अच्छा काम करेगी। आप सरगुजा से हैं और एक पूरा लंबा अनुभव आपके साथ है, कैसे आपके साहित्यिक सफर की शुरुआत हुई, थोड़ा सा उसका बताएंगे हमको उसकी जानकारी, और साहित्य में विशेष आपकी रुचि किन क्षेत्रों में? देखिए, क्या है कि साहित्य से लगाव और साहित्य में रुचि तो सभी के साथ ऐसा होता है। जो भी लेखक होता है शुरुआत में वो अपने समय के लेखकों से, अपने पूर्वजों से बड़ा प्रभावित होता है। तो उसी तरह की बात हुई थी कि पहले थोड़ी बहुत तुकबंदी से बात शुरू हुई थी और वो होते 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 बहुत, मतलब साहित्य के प्रति उत्कट प्रेम जिसको कहते हैं वो मुझे हो गया। और मैंने हिंदी साहित्य से एमए इसलिए भी किया था कि मैं साहित्य के बारे में अच्छी चीज़ें जान सकूं और साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझ सकूं और अपने देश के साहित्यकारों को और दुनिया के साहित्यकारों को मैं पढ़ सकूं और जान सकूं। और तो उस समय जब मैं बीए में पढ़ रहा था तो उस समय भी, उस दौर में ना महाविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे होते थे, थिएटर भी होता था, कवि गोष्ठी भी होती थी, प्रतियोगिताएं भी होती थी। तो उन प्रतियोगिताओं में अक्सर मैं कविता पाठ में भाग लेता था और मेरी रुचि संगीत में भी रही है, तो मैं गाने के क्षेत्र में भी गाता रहता था मैं। तो समझ लीजिए, गाना और लिखना ये दोनों क्रियाएँ साथ साथ चलती रहीं और धीरे धीरे मुझे ऐसे शिक्षक भी मिले कुछ जिन्होंने मेरी इस अभिरुचि को बहुत प्रोत्साहित किया। और आज जो भी थोड़ा बहुत मैं लिख पा रहा हूँ या थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ तो समझ लीजिए कि वो एक परिवेश है, जो उस परिवेश का कमाल है और मेरे गुरुजनों का कमाल है, मेरे परिवार का कमाल है। और सबसे बड़ी बात है कि सरगुजा में, विशेषकर अंबिकापुर में, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश बहुत समृद्ध है। यहाँ बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कवि भी हुए हैं, कहानीकार भी हुए हैं। तो एक प्रकार से समझिए कि सरगुजा की जो भूमि है
वो साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से बहुत समृद्ध है। तो आप मुझे मान सकते हैं कि मैं एक छोटा सा इस क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, छोटा सा लेखक हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मनुष्य की जो स्थिति है, सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति है, उस पर मैं कुछ बातें कर सकूँ, कुछ कह सकूँ। क्योंकि सिर्फ कविता लिखने की बात नहीं है, कविता अगर जीवन से जुड़ी नहीं है, अगर आम आदमी की तकलीफ़ों से जुड़ी नहीं है, तो फिर उस कविता का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी रचनाओं में, चाहे वो लेख हो, चाहे कविता हो, चाहे थिएटर भी करता रहा हूँ मैं, नाटक हो, अगर उसमें जनता की समस्याएं और जनता की तकलीफ़ नहीं है, और जनता के साथ जो गलत हो रहा है, जो राजनीतिक सामाजिक स्थितियों में उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो मैं उसका प्रतिकार करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि साहित्य को अन्याय का विरोध करना ही चाहिए, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे निबंध के माध्यम से, चाहे अपने भाषणों के माध्यम से, या थिएटर के माध्यम से। इस प्रतिरोध को अगर कोई साहित्यकार नहीं कर रहा है, तो फिर उसके साहित्यकार होने में मुझे संदेह होता है। क्योंकि साहित्य में करुणा के लिए बहुत स्थान है, और करुण वही व्यक्ति हो सकता है, वही साहित्यकार कलाकार हो सकता है जिसमें विरोध करने की ताकत हो, सलाहियत हो, और जो अन्याय के सामने पूरी शक्ति से खड़ा हो सके। आपके की कुछ रचनाओं के बारे में बताएंगे क्या हमको? कुछ प्रसिद्ध रचनाएं या ऐसी कोई किताब आपकी? नहीं, प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में क्या बताऊंगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जब कविता लिखने का अभ्यास कर रहा था और कविता की शुरुआती दौर में था, तो मुझे बहुत से साहित्यकार गुरुओं का सहयोग मिला, उनकी सलाह मिली। धीरे धीरे मैं कविता के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करने लगा, और इस बीच मैंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन संपादन किया, प्रगतिशील लेखक संघ अंबिकापुर की वह मुख पत्रिका है, साम्य उसका नाम है। वो करीब 40-42 वर्षों से प्रकाशित हो रही है, तो मैंने उसका संपादन किया। तो संपादन के दौर में ही मैंने जाना था कि वही साहित्य, वही कला जीवित रह सकती है जो अपनी जनता के निकट होती है। वरना वरना देखिए, बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी जा गई हैं, आज कौन उनको याद करता है? अगर आज प्रेमचंद याद आते हैं, निराला याद आते हैं, रामविलास शर्मा याद आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आते हैं, तो क्यों याद आते हैं? आप सोचिए, जयशंकर प्रसाद आज भी गाए बजाए जाते हैं, आंसू की चर्चा आज भी होती है, कामायनी की चर्चा आज भी होती है, हमारे इलाके के सरगुजिया बोली जाती है। तो लोक भाषाओं में भी सरगुजा के लोगों ने बड़ा काम किया है। अनिरुद्ध नीरो एक बड़ा नाम है, उनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं और सरगुजा की बात करती हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में आकर अच्छा ही हुआ कि मैं इस तरफ चला आया, क्योंकि मुझे अपने परिवेश को, सरगुजा के लोगों को, छत्तीसगढ़ को, और अपने पूरे देश को समझने और दुनिया को जानने का अवसर मुझे साहित्य के मार्फत ही मिला। इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ऐसा लिखूँ ताकि उन लोगों का मनोरंजन भी हो, और मनोरंजन के साथ साथ वो चीज़ों को समझ भी सकें, कम से कम सच सामने आए। यही मेरे लेखन का उद्देश्य भी है, क्योंकि झूठ आजकल चारों तरफ इस कदर है, और मतलब सीना ठोक कर बोला जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि आज हिंदुस्तान में सच जो है वो झूठ की शक्ल में है। इसलिए झूठ के अंबार में से सच को ढूंढ निकालना और उसको अपनी जनता के पास ले जाना और उन्हें बताना, मैं समझता हूँ कि एक साहित्यकार का फर्ज होता है। और अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा करने में मैं सफल हुआ हूँ, तो इसके लिए मैं अपने पाठकों का
शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अंबिकापुर के साहित्यकार विजय गुप्त। लगातार कई वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में लिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के साहित्य में रुचि है, गीत भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, लेकिन इनके साहित्य की जो विशेष पहचान है वो जन सरोकार के लेखन की है। हमेशा अपने साहित्य में ये जनता के मुद्दों को प्रखर आवाज़ बन करके उठाने की बात रखते हैं, और इनका मानना भी यही है कि वही साहित्य सच्चा है जो लोगों की समस्याओं को उठा सके और गलत के खिलाफ विरोध कर सके। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।